दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ पास्ट में, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे ये गलतियाँ हो रही है, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से या गाइडेंस ना होने की वजह से, या बहुत सारे लोगों का तो जो बजट है वो बहुत कम होने की वजह से उनसे ये गलतियाँ हुई है। बहुत सारे लोगों से तो हो चुकी है, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं या शायद करने वाले होंगे। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने सोचा कि स्पेशली एक वीडियो बना के पूरी कहानी समझा देता हूँ। तो गलती ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग एक गलत ग्राफिक्स कार्ड बाय कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। उनका जो टारगेट है या पर्पज है वो यही होता है कि उनको एक बेसिक वीडियो एडिटिंग सिस्टम बनाना है बिल्कुल बजट में। और बजट कम होना कोई बुरी बात नहीं है, सबका बजट का इश्यू होता ही है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि एक बिल्कुल कम से कम बजट में हम एक सिस्टम डिजाइन कर ले अच्छा सा, ठीक है। या सिर्फ GPU लेने की बात है तो वहां पे भी बजट का इश्यू होता है कि कम से कम बजट में हमें एक ऐसा अच्छा GPU मिल जाए जिससे हम वीडियो एडिटिंग कर पाए आराम से, ठीक है ना। अब मेरे मुंह से या और भी किसी यूट्यूबर के मुंह से या ऑल ओवर द इंटरनेट आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपके कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड होना कंपलसरी है। तो एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि जितने भी ग्राफिक्स कार्ड अभी अवेलेबल है मार्केट में वो सारे के सारे कार्ड वीडियो एडिटिंग सपोर्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी गलती से प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर कार्ड है GT710 2GB वेरियंट है ये परचेज कर लेते हैं। आप कहने को तो ग्राफिक्स कार्ड है, सिस्टम में लगा भी लोगे, सिस्टम चालू भी हो जाएगा, डिस्प्ले भी मिल जाएगा, लेकिन जब वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करोगे तो वीडियो एडिटिंग इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये कार्ड आपको गलती से भी परचेज नहीं करना है। सेम कहानी है GT730 की, ये उससे बड़ा वेरिएंट है, 2GB 4GB दोनों में मिल जाता है। बहुत सारे लोग बजट की वजह से 3-4 हज़ार में ये कार्ड मिल जाता है, परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी वीडियो एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ना VRAM वाइज ये सोचते हैं या एज्यूम करते हैं कि इसमें 4GB की VRAM है, मेजोरिटी कार्ड में 4GB की VRAM आती है तो इसमें वीडियो एडिटिंग हो जाती होगी, ठीक है। अब ये कार्ड देख लो, GD1030 2GB 4GB दोनों वेरिएंट में आता है, लेकिन फिर भी इस पे आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ये सारे के सारे बेसिक एंट्री लेवल के कार्ड है। अब सेम कहानी AMD की है, AMD का ये जो कार्ड है RX 6400 सीरीज का सबसे लेटेस्ट कार्ड है, 4GB VRAM के साथ आता है, 13,000 के आसपास मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये वीडियो एडिटिंग सपोर्ट नहीं करता है। सेम कहानी है 6500 XT की, 15,000-16,000 के आसपास मिलता है, 4GB की VRAM के साथ आता है, लेकिन फिर भी इस पे वीडियो एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा ना कि VRAM की वजह से एज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइस की वजह से एज्यूम कर लेते हैं कि ये 15-16 हज़ार का कार्ड है तो वीडियो एडिटिंग तो हो ही जाएगी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो अब सबसे सिंपल और सबसे सीधा सीधा सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कार्ड्स हैं वो वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या इनमें नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड बाय कर रहे हो वीडियो एडिटिंग के लिए, चाहे वो लेटेस्ट जनरेशन का कार्ड है, पुरानी जनरेशन का कार्ड है, न्यू परचेज कर रहे हो या सेकंड हैंड परचेज कर रहे हो, कोई भी इस दुनिया का ग्राफिक्स कार्ड आप परचेज कर रहे हो, उसको अगर वीडियो एडिटिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए, वीडियोस को एनकोड करने के लिए उस पर्टिकुलर GPU पे हार्डवेयर लेवल पे हार्डवेयर एनकोडर्स का होना जरूरी है। हार्डवेयर लेवल पे एनकोडिंग का सपोर्ट होगा तभी ये GPUs परचेज करके आप उसे सिस्टम में लगाओगे और वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। जिस टाइप के वीडियोस आप बनाना चाहते हो उस टाइप के वीडियोस को बनाने के लिए इन GPUs पे हार्डवेयर लेवल पे एनकोडिंग का सपोर्ट होना जरूरी है। जिस कोडेक में आपके रॉ वीडियोस है और फाइनली जिस कोडेक में आप वीडियोस डिजाइन करना चाहते हो या रेंडर करना चाहते हो उसका सपोर्ट इन GPUs पे हार्डवेयर लेवल पे होना जरूरी है, तभी उस GPU को लेके आप वीडियो एडिटिंग प्रॉपरली कर पाओगे। तो ये जितने भी GPUs अभी मैंने आपको दिखाया, GD710 730 GD1030 AMD का 6400 6500 ये सारे के सारे GPUs हैं, इन पे हार्डवेयर लेवल पे हार्डवेयर एनकोडर्स का सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह से ये GPUs लेके आप सिस्टम तो चला सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो एडिटिंग इस पे प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जब किसी भी GPU पे वीडियो एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं होता या हार्डवेयर लेवल पे एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं होता, तब वो GPU लेके अगर आप वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करोगे तो वो टास्क फेल हो जाएगा, या तो सॉफ्टवेयर ओनली होगा या तो CPU ओनली होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। CPU ओनली से मेरा मतलब है कि पूरा जो प्रोसेस है या पूरा जो टास्क है उसमें उस GPU का कोई भी रोल रहेगा नहीं, ठीक है। तो पूरा जो टास्क है वो आपका CPU कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब जहां तक वीडियो एडिटिंग की बात है या वीडियो रेंडरिंग की बात है, वो पूरा GPU इंटेंसिव प्रोसेस है, तो वो चीज़ अगर CPU से करवाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बेसिकली इन GPUs को परचेज करने का आपको कोई भी फायदा होगा नहीं, तो इसलिए प्रॉपर रिसर्च करो उसके बाद एक GPU परचेज करो, ताकि लेने के बाद आपको रिग्रेट ना हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया, गलती हो गई। ओके, तो अब आप सबको ये सवाल होगा कि भैया आपने ये तो बता दिया कि ये कार्ड्स परचेज नहीं करने हैं, इन पे वीडियो एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर एनकोडर्स का सपोर्ट नहीं है। तो अब ऐसे कौन से कार्ड हैं जिनको हम परचेज कर सकते हैं बजट में और वीडियो एडिटिंग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी ये सवाल मुझसे कर भी रहे हैं और इसीलिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है कि सर बजट में कोई ग्राफिक्स कार्ड बता दो जिससे वीडियो एडिटिंग हो पाए। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर बिल्कुल सस्ता कोई ग्राफिक्स कार्ड बता दो जिस पे फिजिकल लेवल पे हार्डवेयर एनकोडर्स हो और उससे मैं वीडियो एडिटिंग कर पाऊं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये जो पर्टिकुलर कार्ड है
एनवीडिया का GTX 1650 ये सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। गेमिंग करना है तो भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग करनी है तो भी कर सकते हो, फिजिकल लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे हार्डवेयर एनकोडर्स है इसमें, ठीक है, 264 265 दोनों का सपोर्ट है, तो आराम से वीडियोज एडिट कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। फुल एच डी 2K 4K तक भी वीडियोज आराम से इसमें एडिट हो जाएंगे। एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU लो और उसके साथ इस GPU को कंबाइन करो, आराम से वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया सबसे सस्ता कार्ड बताओ जिसमें वीडियो एडिटिंग हो पाए, तो सबसे सस्ता अभी कार्ड जो मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर पाओगे वो है 1650 का ही छोटा वर्जन, यानी कि 1630 4GB की VRAM के साथ आता है और 11:30 में आपको मिल जाएगा। इस पर भी फिजिकल लेवल पे हार्डवेयर एनकोडर्स है जिसकी मदद से आप वीडियोस आराम से एडिट कर पाओगे, ठीक है, तो सबसे सस्ता कार्ड है, लेकिन मैं इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं कंसिडर करूँगा। इसमें सिर्फ आप 2000 रुपये ज़्यादा डालते हो तो 13000 में आपको 1650 मिलता है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। गेमिंग एडिटिंग दोनों चीज़ें आराम से हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, I'll definitely answer you. Thank you so much.